Hi guys, a very good afternoon to all of you. Welcome to the class, guys. And before we start our class, what do? We hit the subscribe button, like our video, share it with your friends, because we are at WeCommerce for a better future, your future. Yes, please subscribe it, share it with your friends, show us some love. Guys, we have a Telegram group as well. You need to join it. Link is given in the description box just below my video. When you join the group, you will get all the updates about what is going to happen in our channel, anything new that is coming up, and all the notes from which we teach. Okay, guys? So, today our session is for class 11th economics. And what will we be doing here? We are going to discuss syllabus completion strategy for your class 11th. ठीक है, आप लोग कितने सारे क्वेश्चन आते रहते हैं ना व्हेन वी आर टीचिंग की सिलेबस कब कंप्लीट होगा मैम, ये कब होगा, रिवीजन का टाइम बचेगा क्या. सो आज बैठते हैं आराम से, सिलेबस को लेके डिस्कस करते हैं पूरा वन चैप्टर एट अ टाइम कि इसमें क्या दिया हुआ है एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दैट. ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है उसमें वो देखते हैं, कितने हमें लगने वाले हैं वीडियोस वो देखते हैं. देन वी विल अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट सम डेट, वील कम टू वन कंक्लूजन कि हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होने वाला है ना. सिलेबस कंप्लीशन की तो बिल्कुल पहले से ही टेंशन हो जाती है ना, बिल्कुल फर्स्ट डे ऑफ क्लास से घुसते ही साथ मैम के साथ, मैम सिलेबस कब कंप्लीट होगा. यस, वी विल डू इट. वी हैव लॉन्च द चैनल जस्ट राइट ऑन टाइम बिफोर योर एग्जाम्स. ठीक, ताकि सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, दिमाग में कॉन्सेप्ट भी बैठा रहे तब तक, और क्या हो, और फिर हमारे पास रिविजन का टाइम भी हो, जस्ट एप्ट टाइम बिफोर योर एग्जाम्स. ओके, लेट अस सी व्हाट डू वी हैव हियर. लेट मी जस्ट टेक माय पेन. ओके, सो दिस इज आवर इकोनॉमिक्स सिलेबस गाइस फॉर योर क्लास 11th. फाइन, सबसे पहला थ्योरी मार्क्स है हमारी 80 मार्क्स की, प्रोजेक्ट कितने का होएगा 20. दिस प्रोजेक्ट गाइस इज एंटायरली ऑन यू, दिस इज योर यू एंड योर क्लास टीचर, जहाँ स्कूल जाते हो उनके बीच का क्या रैपो है. फाइन, कंप्लीट इट ऑन टाइम, सबमिट इट टू स्कूल ऑन टाइम. ऑन टाइम हर चीज़ सबमिट करोगे तो आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे. ठीक, आई नो पैंडेमिक चल रहा है, चीज़ें थोड़ा इकट्ठा करना, मटेरियल इकट्ठा करना, बट यू हैव एम्पल टाइम एट होम, राइट. आपके स्कूल आज थोड़े कम हो गए तो थोड़ी सी मेहनत इस प्रोजेक्ट में ज़रूर दिखाना गाइस, बिकॉज 20 मार्क्स आउट ऑफ योर 100 मार्क्स, कैन यू इमेजिन 20% है ना. हम तो तीन चार चार नंबर के लिए बिल्कुल ज़्यादा करने लगते हैं, अभी तो कितना हो रहा है हमारा 20% ऑफ योर मार्क्स गाइस. सो इस पे ज़रूर से मेहनत करनी है हमको. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज इट. वी हैव टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, पार्ट बी इज माइक्रो इकोनॉमिक्स विच वी हैव स्टार्टेड, है ना. इस पे स्टार लगाते हैं बिकॉज वी हैव स्टार्टेड दिस. ओके, नाउ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स वी हैव थ्री थिंग्स. चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं, हम इन डिटेल तो जाने वाले हैं. चलो स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं कि कितना टाइम लगेगा. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, आई नो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगेगी, बट वी विल बी एबल टू डू इट, डोंट यू वरी. फाइन गाइस, सो देखते हैं. ये आपका सिलेबस मैंने एनसीईआरटी से लिया है. एनसीईआरटी कौन है? आपके एग्जाम कंडक्ट करता है, तो वो जो जो बोलता है दैट इज आवर फाइनल कॉल. ठीक है, एनसीईआरटी ने बोल दिया मतलब वो फाइनल है. फाइन, नाउ लेट अस सी व्हाट्स रिटन इन पार्ट ए, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. इन दिस कोर्स लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू अक्वायर स्किल्स इन कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू वेरियस सिंपल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स सिस्टमैटिकली. ये तीन हमारे चैप्टर्स हो गए, है ना, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन. तो आपको क्या करना है,
वेरियस कंक्लूजन्स निकालना है विद ऑल द डेटा दैट यू हैव बीन गिवन. स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट दैट. अब हम इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? इकोनॉमी में हमारी बहुत सारी डेटा होती है रिलेटिंग टू सो मेनी स्टफ. उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कलेक्शन उसका कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है कि वो यूज़र के लिए यूजफुल हो, ठीक, ये सब हम स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे. दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट. कितने मार्क्स का है बेटा? ये है 40 मार्क्स का, ठीक. 40 हमारी प्रैक्टिकल्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स जिसे हम बोलते हैं, और 40 होगा हमारा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक. इसमें हमारे लॉज वॉज आते हैं, देखते हैं अब एक एक करके. दिस इज स्टैटिस्टिक्स ओनली गाइस. सो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक. व्हाट इज इकोनॉमिक्स पे हम कर चुके हैं वीडियो, राइट. नाउ अब देखना है कि मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक. इसमें हमें कितने दिन लगेंगे? वन वीडियो, एक वीडियो में वी विल बी एबल टू कवर इट, फाइन. हम देखेंगे स्कोप, फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन योर इकोनॉमिक्स, क्या क्या होता है. सेकेंड यूनिट पे आते हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. फर्स्ट थिंग इज कलेक्शन. फिर इसमें क्या है, सोर्सेज ऑफ डेटा आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी. देन हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, सैम्पलिंग, कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, ये सब हम देखेंगे. नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक वी विल बी एबल टू कवर ऑल दिस इन टू वीडियोज, ओके. नाउ थर्ड पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. अब इसमें मीनिंग, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्या क्या है, ये सारी चीज़ें. प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है डेटा का, ठीक. तो इसके लिए आई गेस प्रेजेंटेशन में हमें 3 लगेगा, इसमें हमें 1 लगेगा. ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक वील बी एबल टू कवर इन 1 लेक्चर. प्रेजेंटेशन विल टेक 3 लेक्चर्स, ठीक है, क्योंकि हमें क्या देखना है, थोड़ा टैबलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दोनों का देखना है. ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, बार डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स, देन तो हम एक एक दिन शायद एक एक कवर कर लेंगे. ज्योमेट्रिक फॉर्म्स एक दिन में, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ऑलिव, ओजाइव जो हमारे कर्व होते हैं वो एक दिन में, देन अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, ये जो टाइम सीरीज होती है वो एक दिन में, फाइन. सो हम अप्रॉक्सीमेटली 3 डेज लेकर चलते हैं. नेक्स्ट वी कम टू ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे, इनके चैप्टर नेम्स क्या क्या हैं बेटा, लेट्स सी इसके चैप्टर नेम्स. सबसे पहले आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. दिस यू ऑल आर स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 6 आई गेस, है ना, बट हम फिर भी पढ़ेंगे. वी विल बी गिविंग 2 लेक्चर्स फॉर इट, बिकॉज हमारे इकोनॉमिक्स में कैसे आ रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है. अब देखते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. डिस्पर्जन थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, टफ नहीं बोलूँगी, लेंदी टॉपिक है. तो हम क्या क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, वॉट एवर सम प्रॉब्लम्स आ गए वो सारे हम देखेंगे. आई गेस 3 लेक्चर्स आर मोर देन इनफ फॉर इट, राइट. देन वी विल सी कोरिलेशन. कोरिलेशन और थोड़ा सा बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसमें, है ना, स्कैटर डायग्राम, स्पीयरमैन्स रैंक करेक्शन मेथड. इसके प्रॉब्लम्स लंबे होते हैं, टफ नहीं होते गाइस, लंबे होते हैं, है ना. तो इसके लिए 4 वीडियोस. इसके लिए मैं थोड़े से ज़्यादा ले रही हूँ, बिकॉज हो सकता है डिस्पर्जन में 3 से 4 लग जाए, कोरिलेशन में 3 लग जाए, राइट. हम जब बनाते हैं तब हमें समझ आता है ना कि इतना टाइम लग रहा है. सो अप्रॉक्सीमेट आई एम टेकिंग द नंबर ऑफ लेक्चर्स. देन इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स. इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इन्फ्लेशन, ये सब हम 2 लेक्चर्स में आराम से कवर करेंगे, ठीक है. लेट्स सी नेक्स्ट. नाउ वी कम टू इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक. माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, सो यू नो दैट वी आर गोइंग एट अ डिसेंट पेस, राइट गाइज. इज द पेस एनी प्रॉब्लम? हम बहुत धीरे जा रहे हैं क्या?
नहीं हम बहुत फास्ट जा रहे हैं क्या, कि समझ नहीं आ रहा, कुछ छूट रहा है? नहीं, वी आर गोइंग एट अ वेरी डिसेंट पेस. जब तक आपको समझ नहीं आता, वी डोंट मूव अहेड. ओके, सो इसमें हमने ये कवर कर चुका है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ये हमारा एक वीडियो था. देन व्हाट इज एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. देन हाउ, हु, होम होम टू प्रोड्यूस, ऑल दीज प्रॉब्लम्स वर देयर. दिस वी हैव कवर्ड. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी हैव कवर्ड. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दैट्स वाई वी हैव नॉट कवर्ड इट. कुछ पोर्शन डिलीट हुए हैं, प्लीज सी टू दैट. ओके, नाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. इसमें हम कहाँ तक पहुँच गए बेटा? हमने ये कंप्लीट कर लिया है. क्या क्या हो गया हमारा? मीनिंग ऑफ यूटिलिटी हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ये कौन कौन से थे हमारे? इन केस ऑफ वन गुड, इन केस ऑफ टू और मोर गुड, इन केस ऑफ एग्जैक्टली टू गुड्स. यस, इन केस ऑफ एग्जैक्टली टू गुड्स में हमारे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बजट लाइन. इससे हमने देखा था कि प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर क्या है, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, ऑल दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड. ओके गाइज, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सोचो हमने अभी ही स्टार्ट किया था ना, कब स्टार्ट किया था? नवंबर, एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड यूनिट 4 एंड यूनिट 5. तो हमारी स्पीड अच्छी है, आपकी भी, और हम लोग पढ़ा भी ठीक स्पीड से रहे हैं कि आपको समझ भी आए. एज यू ऑल नो दैट आई रियली 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 डोंट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द क्लास, है ना? जब मैं पढ़ाने पे आती हूँ तो बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक आई एम टीचिंग टीचिंग टीचिंग. थोड़ी कम बातें करती हूँ, बट यू नो इट इज़ फॉर योर गुड ओनली, है ना? एग्जैक्टली 5 PM माई लेक्चर स्टार्ट्स. तो मेहनत दोनों साइड से होनी चाहिए ना बच्चा, ठीक है? अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा कवर. अब हम आए हैं डिमांड. डिमांड हमने करने सैटरडे स्टार्ट किया था. तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है? डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटरमिनेंट्स हमने कवर कर लिए, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व हमने कर लिया है. ठीक, इतना हमने कर लिया है. लॉ ऑफ डिमांड अभी नहीं किया, ठीक है? लॉ ऑफ डिमांड एग्जैक्टली क्या होता है हम डिस्कस करेंगे. फिर हम मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटीज कितनी होती हैं वो करेंगे, ठीक है? तो प्रॉबेबली डिमांड विल टेक एक्स्ट्रा वन लेक्चर, जिसमें मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड समझाऊंगी. एंड नेक्स्ट इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल टेक 3 लेक्चर्स. दो में समझेंगे, तीसरे में प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ठीक? आई एम टेकिंग मोर लेक्चर्स इन दिस प्राइस इलास्टिसिटी बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट. न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना? और न्यूमेरिकल्स हमें बनने चाहिए. बट आप ये देखो, आपके 40 मार्क्स में स्टैटिस्टिक्स में भी थोड़ी थ्योरी आती है और प्रैक्टिकल आते हैं, एंड इसमें भी थोड़े प्रैक्टिकल आते हैं एंड ज़्यादा थ्योरी आती है माइक्रो इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स में आपके. तो उस हिसाब से चलना. इनिशियल आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, अनसॉल्व पेपर्स आते हैं ना गाइस, अलग अलग बोर्ड्स के, उसको सॉल्व करो. इंटरनेट पे बहुत सारे मिलते हैं, फाइन, सॉल्व देम. सिट फॉर 3 आवर्स, स्टार्ट सॉल्विंग देम, है ना? स्कैनर अगर है, वेरी गुड. प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं आप वो करना चालू करो. प्लीज़ अभी से 12th क्लास बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करो. आई एम नॉट सेइंग कि 12th क्लास के आप लेक्चर्स पढ़ने स्टार्ट करो. आई एम टेलिंग यू कि कैसे आंसर्स लिखते हैं, दैट यू शुड नो. बोर्ड एग्जाम आपने 10th में दिया है, आपको पता है, जस्ट फ्रेश फ्रेश है अभी भी. 12th में क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इकोनॉमिक्स के पेपर से, वो देखो. डायग्राम्स बनाने हैं, कितने नीटली बनाने हैं, कितने लंबे आंसर्स लिखने हैं. एनसीईआरटी के सॉल्व पेपर्स आते हैं, रीड देम, आपको पता चलेगा कि आंसर कैसे चाहिए है. अब एक बात बताऊँ, जो एनसीईआरटी के सॉल्व पेपर्स हैं या एनसीईआरटी की बुक है, उसमें से जो आंसर्स हैं ना, वो बिल्कुल एग्जामिनर के पास जाते हैं कि ये आंसर के पॉइंट्स होने चाहिए.
अगर आपने उसी के पॉइंट्स लिखे हैं, उसी की हेडिंग्स लिखी हैं, तो क्या होगा, एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे ऐसे टिक करेगा, अरे ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है ना। ज़्यादा उसको आंखें गड़ानी नहीं पड़ेंगी कि यार ये क्या लिखा है, इसका क्या मीनिंग है। डोंट कन्फ्यूज़ योर एग्जामिनर, डोंट कन्फ्यूज़ योर टीचर, दे आर देयर टू गिव यू मार्क्स बाबा, बट डोंट कन्फ्यूज़ देम ना। उनके लिए वर्क ईजी करो, पेपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब खाली मत छोड़ देना, बट नीट एंड क्लीन अरेंज करो। सीक्वेंस से आप बिल्कुल आंसर करना चालू करो आपके आंसर्स, ये नहीं कि पहले 1 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 9 कर दिया, फिर 8 कर दिया, यू आर नॉट डूइंग दैट। ठीक है, यू हैव टू डू इट इन अ सीक्वेंस। अगर आपने जो पार्ट स्टार्ट किया है, अगर स्टैटिस्टिक्स देखा है तो वो कर लो, ठीक, तो प्लीज़ सीक्वेंस से करो, कुछ सीक्वेंस तो मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। ओके गाइस, ना चलो बैक टू हमारा कितने सेशंस लगने हैं। यूनिट 6 देखते हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें पहला आता है हमारा प्रोडक्शन, ठीक, आई थिंक वी विल बी एबल टू कवर इट इन 2 लेक्चर्स, नथिंग ग्रेट इन दिस। कॉस्ट क्या है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, एवरेज, वेरिएबल एंड देयर रिलेशनशिप्स। यस, इट विल टेक हाउ मेनी, 2 लेक्चर्स अगेन। देन योर रेवेन्यू, वॉट इज योर रेवेन्यू, टोटल एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू एंड इट्स रिलेशनशिप, 2 लेक्चर्स अगेन। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, वेन इज योर प्रोड्यूसर एट इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम देखा था, नाउ दिस इज योर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसमें थोड़े बहुत वो सब है, कर्व्स हैं, क्या है, 3 लेक्चर ले लो। मैं सप्लाई अलग करके देख रही हूँ, ठीक है, सप्लाई को मैं अलग से, आपका सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वी आर गोइंग टू डू इन 3 लेक्चर्स अलग से, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में नहीं ऐड कर रहे हैं, वो अलग से देखेंगे, सप्लाई अलग से देखेंगे, ठीक है। थोड़े एक्स्ट्रा लिए हुए हैं मैंने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, बट प्रोबेबली इट इज़ नीडेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट वी हैव फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विथ सिंपल एप्लीकेशन, ठीक। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन को जितने हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, अदर मार्केट फॉर्म्स 2 लेक्चर्स, एंड वट एवर एप्लीकेशन इज देयर वी विल कवर इन 1 लेक्चर वीडियो। मार्क्स थोड़े एनालाइज करते हैं गाइस, मार्क्स पे आते हैं। अब ये आपको दिख रहा है स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन, 27 मार्क्स। व्हाट इज दिस, दिस इज योर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर्स, ठीक। बहुत इजी टॉपिक्स हैं, मीन मीडियन मोड बचपन से निकालते आ रहे हैं, डिस्पर्जन कोरिलेशन मैं अच्छे से समझा दूंगी, ठीक, तो हमारे मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए हैं। ओके, व्हाट आर वी सेइंग हियर, मार्क्स कहाँ गए हमारे, ये रहे। सो स्टैटिस्टिकल टूल एंड इट इंटरप्रिटेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं 27 मार्क्स के, थोड़ी बहुत थ्योरी भी आती है बीच में, ठीक है, तो वी नीड टू कंप्लीट इट प्रॉपरली। न्यूमेरिकल्स हैं, मैथ्स का लॉजिक लगेगा कि नंबर्स अच्छे से कैलकुलेट करो, नंबर्स कॉपी अच्छे से करो। कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर में कुछ और लिखा होता है नंबर, आंसर शीट में हम कोई और नंबर से लिखना बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज़ कॉपी अच्छे से करो, आप अच्छे से देखो, पहले फॉर्मूला लिखो, उसका टेबल बनाओ, डायग्राम बनाओ, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू मार्क्स, प्लीज़ डू दैट, राइट गाइस। सो ईजी है, हम कर लेंगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड हमने देखा है, इजी है, 13 मार्क्स थ्योरी विथ सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी देयर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे निकालना है विल बी देयर। तो हमें शेड्यूल बनाना है, डायग्राम्स बनाने हैं, वी हैव टू कवर ऑल दोज थिंग गाइस। फिर हम प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, अगेन 13 मार्क्स, प्रोड्यूसर का क्या है, मतलब कॉस्ट, रेवेन्यू, ऑल दीज आर प्रोड्यूसर्स कॉन्सेप्ट ना, कॉन्सेप्चुअल आएगा मोस्टली, सप्लाई
उसके डायग्राम, इलास्टिसिटीज, वेरी इजी. देखो यार, इकोनॉमिक्स में व्हाट इज देयर, डायग्राम्स आर देयर, लॉज आर देयर. लॉज को समझो, है ना, लॉज को अच्छे से समझना पड़ेगा. डायग्राम्स देखने पड़ेंगे बार बार, बनाने पड़ेंगे बार बार. देख के मत चले जाना एग्जाम में, पहली बार पेन उठा के ड्रॉ कर रहे हो, डोंट डू दैट. आप घर में जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना इजी पड़ेगा आपको, है ना. घर में बिल्कुल बैठे हो, पेपर पेन लेके बैठ जाओ, जस्ट स्टार्ट ड्रॉइंग. ईजी पढ़ना चाहिए, मतलब कुछ नया नहीं लगना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में हमको कि यार ये तो बनाया नहीं, देखा तो ज़रूर था, चलो ट्राई करते हैं बनाना. प्लीज़ डोंट डू दैट इन एग्जामिनेशन हॉल. अभी से ट्वेल्थ बोर्ड की आदत डालो, है ना. टाइम कंस्ट्रेंट क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे, 3 आवर्स. पेपर हमें कितनी देर में ख़त्म करना है, आई से 10 मिनट्स आपको पेपर रीड करने में लगेंगे इनिशियली, आखिरी के 15 मिनट रिवाइज करने में लगेंगे. ठीक, पेपर लिखना है आपको कितने घंटे में, 2.5 आवर्स. स्पीड बढ़ाओ, राइट. आखिरी में रिवीजन का टाइम मिलना चाहिए. स्केल लो, हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन ड्रॉ करो, पेपर नीट एंड क्लीन. हैंड राइटिंग अच्छी रखो प्लीज, हैंड राइटिंग, है ना. अब आपने सब बिल्कुल नॉलेजेबल चीज़ लिखी है हुई है, बट समझ ही नहीं आ रही क्या होगा, मतलब ऐसे टेंशन लगा के एग्जामिनर देख रहा होगा कि भाई लिखा गया है, कुछ तो लिखा है, सेंसेबल लग तो रहा है बट पढ़ाई में नहीं आ रहा. देन वॉट विल हैपन गाइज, यू विल नॉट गेट मार्क्स. आपके फ्रेंड ने बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में बिल्कुल हेडिंग्स के साथ सब लिखा हुआ है, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. यस, सो अभी से पेपर्स कैसे लिखने हैं अभी से ट्राई करना स्टार्ट करो. ओके ना, और क्या क्या बचा हमारा, नोट्स. एनसीईआरटी से पढ़ाई करो, उसमें जो जो दिया है लैंग्वेज यू कैन रीड, बट वट एवर बुक यू आर फॉलोइंग, देर आर सो मेनी बुक्स. आप लोग पूछते रहते हो, तो सचदेवा इज देयर, संदीप गर्ग इज देयर, देन वी के ओरी, टी आर जैन, ऑल दीज आर वेरी गुड बुक्स, राइट. बट एनसीईआरटी इज द बेस. एनसीईआरटी को साथ में रखो. टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं, आपकी जो रेफरेंस बुक है उससे पढ़ो, बट एंड में या तो एक नोट्स बना लो एनसीईआरटी और आपके वाले बुक्स के मिला के, आपके खुद के नोट्स बना, वो तो बनाते ही हो ना आप लोग. आपको पढ़ाई किसी एक चीज़ से करनी है, या तो नोट्स से पढ़ाई कर लो या किसी एक बुक को उठाओ उससे पढ़ाई करो. डोंट कीप 100 बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड इंटरनेट भी साथ में कि अच्छा ये टॉपिक है, चलो मैं इससे 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 पढ़ लूँगा. आखिरी में रिविजन नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूजन मचेगा. कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ जाएगा बट लर्निंग कैपेसिटी, एक चीज़ जो आप बार बार पलट रहे हो, बार बार देख रहे हो गाइस, वो आपके दिमाग में बैठेगा. अगर सेम बुक इमेजिन करो आप रोज़ देख रहे हो, आपने हाईलाइट किया हुआ है आराम से नीट एंड क्लीन वे से, आप देख रहे हो, आपके दिमाग में ना बैठता रहेगा कि अच्छा इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है. फोटोजेनिक, फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं इसको. किसी चीज़ को बार बार देखो, आपको ना, कई बच्चों को पेज नंबर्स रट जाते हैं. ठीक, मैं रटने नहीं बोल रही हूँ, बट हेडिंग्स तो याद करनी पड़ेंगी, राइट गाइज. अगर हमें कॉन्सेप्ट सब पता है, हेडिंग्स ही याद नहीं आ रही, अंदर का तो पता है, हेडिंग्स याद नहीं आ रही, क्या है, क्या होने वाला है, मार्क्स. एट द एंड ऑफ द डे हमने नॉलेज अक्वायर कर लिया है गाइज, नॉलेज हमारे पास सबके पास है, सबने मेहनत करी है, बट डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आएगा इन 3 घंटों में. वॉट इज योर स्टेट ऑफ माइंड, डर के मारे पेपर खराब मत करना. डर कब लगेगा, जब हम प्रिपेयर नहीं करके जाएंगे, है ना. सो आराम से बैठो, शांति से एग्जाम से पहले 3-4 पेपर्स अनसॉल्व खुद सॉल्व करो विद इन दिस आवर. पेरेंट्स को बोलो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, आई एम सॉल्विंग अ पेपर, प्लीज टेक माय पेपर आफ्टर 3 आवर्स. दे विल सेट अ पेपर फॉर यू, इफ मतलब चॉइस उनको दे दो कि इनमें से कोई भी पेपर आप दे दो या मिक्स करके क्वेश्चन देने दे दो.
दे विल गिव यू अ पेपर, आप करेक्शन खुद करो बिकॉज हो सकता है आपके कॉमर्स फील्ड के ना हो आपके पेरेंट्स. तो उस एग्जाम कंडीशन में बैठो, डायग्राम्स बनाओ, क्या यूज़ करना है, पेंस कौन से यूज़ करने हैं, ब्लॉट तो नहीं कर रहा वो पेपर पे, राइट? अगर आप पेंस लेकर गए हो, इंक पेन सॉर्ट ऑफ है या कोई भी है, और वहाँ एग्जाम में पेपर ब्लॉटिंग वाला है, पीछे छप रहा है, प्रॉब्लम. पेंस का सिलेक्शन, कीप 5-6 पेंस विद यू जिससे आप प्रैक्टिस करते हो, कौन सा पेन वहाँ का पेपर आपको नहीं पता, ऑल दीज आर कंटिजेंट कंडीशंस. वहाँ जाके कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो क्या करोगे, राइट? बी प्रिपेयर्ड विथ अ कूल 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 माइंड गाइज. ठीक है, जब तक हम प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तब तक हमारा अच्छे से नहीं होगा. ठीक है, नाउ लेट्स सी, हमने इतना तो कर लिया था, कितने हमें होने वाला है. तो इनका टोटल आई हैड ऑलरेडी डन फॉर यू, इट वॉज कमिंग टू अप्रॉक्सीमेटली 40 वीडियोज मोर. ठीक है, 40 वीडियोज मतलब कब तक कंप्लीट हो जाएगा? फेब फर्स्ट वीक. ठीक, एग्जाम कब से स्टार्ट होते हैं हमारे? मार्च से प्रॉबेबली. अब मार्च से स्टार्ट होते हैं तो फेब में ये जो टाइम बचा है ये रिवीजन का है. ठीक है, सो आराम से हो जाएगा. प्लस अगर बीच में लग रहा होगा कि पेस थोड़ा कम हो गया है, हम एक्स्ट्रा जो हमारे ये वाले टाइम अर्ली मॉर्निंग वाला जो स्लॉट होता है उसको हम 11-12 में बांट लेंगे, उसमें हम चीज़ें कराना स्टार्ट करेंगे. सो यू डोंट वरी, वी विल नॉट लीव एनीथिंग अंडर. ठीक है, डोंट वरी, वी आर विथ यू, वी गिव यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. बस थोड़ी मेहनत लगनी है आपके आपकी तरफ से, और कंसिस्टेंसी इज द की. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ये नहीं कि आज पढ़ा चलो अगले हफ्ते फिर मैं 5 वीडियो देखूंगा. नहीं बाबा, रोज चल रही है क्लास, ऐसे वॉक करते हुए देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप अपने प्ले टाइम में देखो, कुछ देखो, बट ऑन एंड ऑफ आपको यू शुड बी इन टच ऑफ योर स्टडीज गाइस. ठीक है, चलो फिर, ये है हमारा किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं. आपके 40, ये मैंने 80 मार्क्स का ही लिया है क्योंकि 20 क्या है आपका प्रोजेक्ट मार्क्स. Now, ये आपका रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या क्या आएगा इसमें? डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक, डेटा को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना, ऑल दीज वेरी बेसिक थिंग्स जो आप रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड करते हो. ठीक, वो सारी चीज़ें आपकी 44 मार्क्स की, दैट इज योर 55% लर्निंग पार्ट. ओके, नाउ हमने लर्न कर लिया है, टेक्निक सीखी है, टेक्निक अप्लाई करना है. लॉ ऑफ डिमांड हमें पता है, नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें पता है, उसको कैलकुलेट करना है, राइट, अप्लाइंग इट. 18 मार्क्स. नाउ एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, एनालाइज करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल ली है, उसको इंटरप्रेट करना है कि बताना क्या चाह रहा है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एनालाइज. ओके, स्टैटिस्टिक्स एनालाइज करना, मेकिंग जजमेंट्स, ऑल दीज थिंग विल कम फॉर 18 मार्क्स. हॉट्स होते ना बुक्स के पीछे, यस, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, सो वो ये है. ठीक है, दिस इज 18 मार्क्स अगेन. सो होगा, कॉन्सेप्ट सब समझ में आएगा तो ये वाले पार्ट्स भी इजी हो जाएंगे. लर्निंग तो आपको करनी ही है बिकॉज दिस इज हमारा थोड़ा एजुकेशनल सिस्टम लाइक दिस, तो हमें लर्निंग तो करनी पड़ेगी. डेफिनेशन आई एम सेइंग कि इन योर ओन वर्ड्स लिख लो, बट की टर्म्स, क्या मैं बोल रही हूँ बार बार, की टर्म्स, ठीक, की टर्म्स तो सेम यूज करने पड़ेंगे. ग्रामर थोड़ी चेंज कर सकते हो, की टर्म्स चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? की टर्म्स मोस्टली एनसीईआरटी में जो दिए हैं, प्लीज वो वाले यूज करो, आपके लिए मार्क्स लाने में इजी होगा, राइट? ओके गाइस, सो आई थिंक वी आर क्लियर ऑन दिस, यस, ओके. सो
Before we go, please subscribe to the channel, hit the like button and share the video with your friends. Bulao bahut sare friends ko, saath mein maza karenge. Right? And before you go, join our group. Hum isme bahut important updates dene wale hain, notes dene wale hain. Okay? So please, it is a link given just below my video in the description box. Click on it and you will be part of the group. Fine, babies? Okay, then. Thank you. Ta-ta. Bye-bye. And see you for my 5 p.m. session, guys. Bye.